हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक न्यू मेकअप ट्यूटोरियल शेयर करने वाली हूँ और ये मेकअप ट्यूटोरियल है राजस्थान की स्पेशल साड़ी बांधनी, और बांधनी भी बोलते हैं, हमारे यहाँ चुनर भी बोलते हैं। जो हमारे यहाँ की सुहागन औरतें होती हैं उनके पास मस्ट ये होती ही है, यानी क्योंकि हमारे किसी भी तीज त्यौहार पर ये चुनर पहनी जाती है, इसलिए तो आज मैं उसी पर आपको मेकअप बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं फेस को अच्छे से प्राइम कर दूंगी। प्राइमर के लिए मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ शुगर का एलिजिबल प्राइमर, ये बहुत ही अच्छा है। और अब मैं मेरे लिप्स को प्राइम कर दूंगी, और लिप प्राइमर के लिए मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ शुगर का लिप प्राइमर। और अब मैं मेरे फेस पर फाउंडेशन अप्लाई करूंगी, और फाउंडेशन मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ फॉरएवर 52 का। और इसको फ्लैट फाउंडेशन ब्रश की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। और अब मैं मेरे फेस के हाई पॉइंट्स को अच्छे से हाईलाइट करने के लिए कंसीलर का यूज करूंगी, और कंसीलर मैं यहाँ पर शुगर का यूज कर रही हूँ। अब मैं मेरे पूरे कंसीलर को अच्छे से सेट करने के लिए ट्रांसल्यूशन पाउडर का यूज कर रही हूँ, और वो मैं यूज कर रही हूँ आरसीओ का। मैंने मेरे कंसीलर को अच्छे से बेक कर दिया है जिससे वो सेटल रहेगा एकदम। अब मैं मेरा आई मेकअप स्टार्ट करने वाली हूँ, और आई मेकअप मैं आज करूंगी ब्लेजर्ड ब्यूटी की पैलेट से। इसमें से मैं ये वाला शेड पिक करूंगी मेरे ट्रांजिशन के लिए। और अब मैं मेरे आईज की कट क्रीज बना दूंगी, और कट क्रीज बनाने के लिए मैं कंसीलर यूज कर रही हूँ शुगर का, और फ्लैट ब्रश में यूज करूंगी बिग साइज का। मैंने कट क्रीज बना दी है। अब इस कट क्रीज को मैं फिल करने के लिए ये गोल्डन शेड यूज करूंगी। अब ये जो आउटर कॉर्नर मेरा थोड़ा सा अनइवन दिख रहा है, इसको अच्छे से मैं ब्लेंड कर दूंगी। मैंने हालांकि शिमरी शेड लगाया है, बट मुझे और अच्छे ग्लिटर की जरूरत थी, इसलिए मैं यहाँ पर स्वीज ब्यूटी का गोल्डन ग्लिटर यूज कर रही हूँ। मेरा एक आंख का आई मेकअप डन हो गया है। अब दूसरी आंख का करके मैं आपसे मिलती हूँ। मेरा आई मेकअप डन हो गया है, और अब मैं मेरे इनर कॉर्नर को और मेरी आईब्रो बोन को अच्छे से हाईलाइट कर दूंगी। और अब मैं मेरे आईब्रोज को फिल कर दूंगी। आईब्रोज को फिल करने के लिए शुगर का मैं आईब्रो डिफाइनर यूज कर रही हूँ। और अब मैं मेरे जो एक्स्ट्रा मैंने लूज पाउडर लगाया था उसको रिमूव करूंगी। और अब मैं मेरे फेस की कॉन्टोरिंग करूंगी। कॉन्टोर के लिए मैं ब्रॉन्जर यूज कर रही हूँ, ये मैं ब्रॉन्ज यूज करूंगी। अब मैं उसी पैलेट में से ब्लश ले लूंगी जिसमें मैंने ब्रॉन्जर लिया था, तो उसमें मैं डार्क पीच कलर का ब्लश यूज कर रही हूँ। और अब मैं मेरे फेस को अच्छे से हाईलाइट कर दूंगी, और हाईलाइटर के लिए मैं यूज कर रही हूँ फॉरएवर 52 का हाईलाइटर। और अब मैं मेरे आईलाइनर लगा दूंगी, और आईलाइनर मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ शुगर की,
मेरी आईलाइनर लग चुकी है और अब मैं मस्करा लगा दूंगी। मैं मस्करा ही यूज कर रही हूँ शुगर का। और अब मैं काजल लगा दूंगी और काजल भी मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ शुगर की। और अब मैं मेरी आईज के नीचे ब्राउन कलर का शेड लेके अच्छे से स्मज कर दूंगी। और अब मैं लिपस्टिक लगा दूंगी और लिपस्टिक भी मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ शुगर की। मेरा पूरा मेकअप हो चुका है। अब इस पूरे मेकअप को अच्छे सेट करने के लिए सेटिंग स्प्रे का यूज करूंगी और सेटिंग स्प्रे में यहाँ पर लॉरियल का यूज कर रही हूँ। ये है हमारा फाइनल मेकअप। अब मैं दिखाऊंगी आपको हमारा फाइनल लुक। जी हाँ फ्रेंड्स, ये हमारा फाइनल लुक आप देख सकते हैं। ये बांधनी स्पेशल यानी राजस्थान में बनती भी है और यहाँ पर पहनी जाती है। ये हमारे यहाँ पर सभी सुहागन औरतों के पास होती ही है। अगर आपको ये लुक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और हाँ, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं इस लुक के अच्छे अच्छे फोटोज़ वहाँ पर पोस्ट कर दूँगी, तो लाइक भी कर सकते हैं। Thanks for watching my video.